हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिक्स क्लास का जो फर्स्ट लेसन है, जो चैप्टर है, उस चैप्टर को देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, पैट्रिक का जो गृह कार्य था वो किसने किया, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक जो है, आपकी जो इंग्लिश की किताब है हनी सकल, उसमें ये आपका पहला लेसन है। अब जहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये वोकेबलरीज आई है, कठिन शब्द आए हैं। अगर हम लोगों को कठिन शब्द नहीं पता होगा तो हम लोग क्या है लेसन को समझ नहीं पाएंगे। तो ये हमारे सामने कुछ कठिन वर्ड्स हैं। होमवर्क, होमवर्क का मतलब क्या होता है, गृह कार्य जो आपको यहाँ से करने के लिए देते हैं कि घर से करके लाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग होमवर्क। यूजुअली मतलब अक्सर, नेवर का मतलब कभी नहीं। झूठ बोलते हो, आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोरिंग, बोरिंग का मतलब अरुचिकर, जिसमें क्या होता है आपको मजा नहीं आता है, जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आता है उसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग। उसके बाद क्या है इंस्टिट, इंस्टिट का मतलब क्या होता है के स्थान पे, मतलब उसकी जिस किसके स्थान पे जो काम किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टिट। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, जो आप स्कूल में क्या करने के लिए आते हो, लर्न करने के लिए आते हो, सीखने के लिए आते हो, ठीक है। स्कूल में आपको क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है। यूजुअली अक्सर आप कभी भी क्या है, नेवर मतलब कभी नहीं, बोरिंग मतलब अरुचिकर, ट्रू का मतलब सच, हमेशा सच बोलना, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। इग्नोरेमस, इग्नोरेमस का मतलब क्या होता है, अशिक्षित, अशिक्षित का मतलब क्या है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है उसको बोलते हैं हम लोग अशिक्षित। हेट का मतलब क्या होता है, घृणा, नफरत करना। फाउंड का मतलब पाना, कोई चीज जब हमको मिलती है, कहीं कहीं हम लोग जा रहे हैं और रोड पे से हम लोगों को अगर 10 की नोट मिली है तो उसको क्या बोलते हैं, फाउंड, पाना। डॉल का मतलब क्या होता है, गुड़िया, ठीक है। ग्रेप का मतलब होता है छीनना, छीन लेना किसी चीज को। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्य हो जाना, तेज बारिश गिरती है, कितनी तेज बारिश गिर रही है, तो वो क्या होता है, आश्चर्य। टाइनीज का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, सूक्ष्म। साइज का मतलब आकार। विच का मतलब जादूगरनी, जादू करने वाला, ठीक है। जादू करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिशियन। और विच क्या होती है, वो स्त्रीलिंग हो जाता है। येल का मतलब चिल्लाना जोर से। ग्रांट का मतलब देना, प्रदान करना। प्रोमिस का मतलब वादा करना। बिलीव का मतलब विश्वास करना। लकी मतलब भाग्यशाली। प्रॉब्लम का मतलब समस्या। सेमेस्टर मतलब 6 महीने का समय, 6 महीने हाफ ईयरली एग्जाम होता है तुम्हारा, तो वहाँ तक क्या होता है, एक सेमेस्टर होता है। हाफ ईयरली के बाद दूसरा जो ईयरली तक जो एग्जाम होता है उसको हम लोग दूसरा सेमेस्टर बोलते हैं। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। रिंकल का मतलब झुर्रीदार, सलवटेदार। डिश क्लॉथ का मतलब क्या होता है, प्लेट पोछने का जो कपड़ा आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिश क्लॉथ। हैम्पर का मतलब टोकरी, ढक्कन वाली, एक टोकरी होती है जिसमें कई सारे चॉकलेट्स भरे जाते हैं, गिफ्ट भरे जाते हैं। किक का मतलब मारना, लात मारना। फिस्ट का मतलब मुट्ठी, वैसे मुट्ठी बंद कर लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फिस्ट। उसके बाद मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती। और शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। ये हमारे मीनिंग है। अब हम लोग लेसन देखेंगे, लेसन में क्या बोल रहे हैं, लेसन में हम लोगों को बोल रहे हैं डिस्कस इन क्लास में है, डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुमको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या तुम खुद से होमवर्क कर लेते हो। और डू यू गेट हेल्प, क्या तुमको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, तुमको स्कूल से कैसा होमवर्क मिलता है, ये सब हम लोग आज देखेंगे। ये सब हम लोग देखने वाले हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक क्या करता है, कभी भी होमवर्क नहीं करता है। पैट्रिक क्या है, एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़के को बता रखा है, ये कभी भी क्या करता है, होमवर्क करके स्कूल में नहीं आता है। ये क्या कहता है, टू बोरिंग दिस है, वो क्या कहता है, अरे मेरे को होमवर्क करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है, मेरे को क्या लगता है, बिल्कुल रुचि नहीं आती, मेरे को पढ़ने में क्या लगता है, मजा बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, जिसको पढ़ने में मजा नहीं आता है, दौड़ा दो, मस्ती करा दो। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड Nintendo Instinct। Nintendo क्या है, वीडियो गेम, मोबाइल में गेम खेलते हो, बस वैसा ही एक Nintendo वीडियो गेम का नाम है। वो उसको हॉकी खेलना पसंद है, बास्केटबॉल खेलना पसंद है, और उसको वीडियो गेम खेलना पसंद है। His teachers told him,
पैट्रिक, अब उसके टीचर क्या कहते हैं उसको, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न नथिंग, कि क्या करो तुमको यहाँ से जो भी होमवर्क दिया जाता है, स्कूल से जो भी करने के लिए काम दिया जाता है, स्कूल से जो भी याद करने के लिए दिया जाता है, उसको तुम क्या करो, उसको तुम करते रहो, नहीं तो क्या होगा, तुम कुछ भी सीखोगे नहीं, तुम कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे। स्कूल में हम क्यों आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, कुछ नया सीखने के लिए आते हैं। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स इट डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, और कई बार उसको भी कैसा लगता है, इग्नोरेमस, इग्नोरेमस का मतलब क्या है, अशिक्षित जैसा, मतलब उसको भी क्या लगता है, अरे यार मेरे को व्यवस्थित जोड़ बाकी करना नहीं आता है, मेरे को व्यवस्थित पढ़ना नहीं आता है, उसको कई बार कैसा है, अनपढ़ जैसा महसूस होता है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करे, ही हेटेड होमवर्क, उसको क्या लगता है कि ये जो होमवर्क है, ये जो घर जाके और पढ़ने का काम है, ये बड़ा ही बोरिंग है, बड़ा बिल्कुल मजा में मुझे नहीं आता है, उसको तो क्या है, खेलने में, वीडियो गेम खेलने में, बास्केटबॉल खेलने में, हॉकी खेलने में ही मजा आता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कोई भी नई चीज सीख नहीं पा रहा है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अब एक दिन क्या हो पाता है, फाउंड मतलब पाना, एक दिन वो क्या पाता है, वो पाता है हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, उसकी बिल्ली क्या कर रही है, जो डॉल है, गुड़िया है, उसके साथ खेल रही है, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो क्या कर लेता है, उस गुड़िया को उससे छीन लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल, अब उसको क्या आश्चर्य होता है कि ये डॉल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, कि एक इतना सा, एक छोटा सा आदमी है जिसको वो क्या कर लेता है, छीन लेता है। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. अब उसने कैसा, एक इतना सा आदमी है जिसने एक हेट पहन रखी है, पुराने जमाने के क्या पहन रखे हैं, वूल शर्ट, मतलब ऊन का एक शर्ट पहन रखा है जिसपे क्या है, बेल्ट लगे हुए हैं, ब्रीचेस बटन लगे हुए हैं, बेल्ट लगा हुआ है, और वो क्या चिल्ला रहा है, ही येल्ड, चिल्ला रहा है, सेव मी, मुझे बचा लो, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना, मतलब एक छोटा सा आदमी है जिस पे बिल्ली ने क्या कर लिया है, हमला कर दिया, बिल्ली ने उसको दबोच लिया था, तो वो जो पैट्रिक है, वो पैट्रिक क्या कर लेता है, गुड़िया समझ के, और उस बिल्ली से, उस छोटे से आदमी को, जादूगर को, जैसे जादूगर रहते थे उस वैसी वेशभूषा उसने पहन रखी है, टोपी और ऊन का शर्ट और पट्टी वाला बटन वाला जो कपड़े पहन रखे थे उसको वो छीन लेता है। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, कि मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें एक विश, इच्छा दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कोई भी एक इच्छा बताना, मैं वो इच्छा क्या कर दूंगा, तुम्हारी पूरी कर दूंगा, मतलब वो क्या था, जादूगर था। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को क्या होता है, बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो क्या होता है, टीवी में ही होता है कि अलादीन का चिराग होता है, उसको घिसो तो क्या निकलता है, उसमें से जिन निकलता है, और जिन क्या कहता है, बोलो मेरे आका तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी 3 इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा, ये सब किस में होता है, फिल्मों में होता है, कार्टून में होता है, तो पैट्रिक को क्या होता है, बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, हैं ऐसा भी हो सकता है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अब उसकी सारी समस्याओं का समाधान कहां था, वहीं था, सो ही सेड, वो क्या कहता है, अब पैट्रिक कहता है, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, कि मेरी एक ही इच्छा है, क्या इच्छा है, मैं तुमको एक ही शर्त पे बचाऊंगा, इस बिल्ली को वापस नहीं दूंगा, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो पहले सेमेस्टर तक, जो कि 35 दिन का है, और है 35 दिन तक, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो तो मैं तुमको क्या कर लूंगा, बचा लूंगा, ये मेरी इच्छा है, अगर तुम ये इच्छा पूरी करने के लिए मान जाते हो तो। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए प्लस, कि अगर तुम मेरे लिए ये पर्याप्त काम कर दोगे, अब ये कौन कह रहा है, मैजिशियन कह रहा है, तो आई कुड इवन गेट वो पैट्रिक क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरा ये काम पर्याप्त कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ए ग्रेड मिल जाएगी। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिसक्लोज्ड थ्रोन इन द हैम्पर, अब उस
छोटे से आदमी का चेहरा रिंकल्ड, मतलब उस पे क्या आ जाती है, झुर्रिया आ जाती है। झुर्रिया किसकी आ जाती है, चिंता की आ जाती है। झुर्रिया आ जाती है टेंशन की, उसको बड़ी टेंशन होने लगती है, बड़ी चिंता होने लगती है। कैसी, जैसे कि एक थाली पोछने का जो कपड़ा होता है, पोछा होता है, जब उसको किसी टोकरी में डाल दिया जाता है और टोकरी में डालने के बाद जैसी सलवटे पड़ जाती है, वैसी ही सलवटे उस छोटे से आदमी के चेहरे पे पड़ जाती है। He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I will do it. अब वो क्या कहता है, अपने पैर पछाड़ता है, अपनी मुट्ठी बंद करता है, दांत ऐसे करता है, हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया, मतलब क्या मुझे कर्स्ड का इसका मतलब क्या हो गया, क्या मुझे कोई श्राप मिला है कि मुझे होमवर्क करना है, वो भी इस लड़के का, वो भी 35 दिन तक मुझे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से वो कहने लगता है। लेकिन फिर अंत में वो इस काम के लिए भी राजी हो जाता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क। और वो छोटा सा जादूगर क्या करने लग जाता है, वो छोटा सा जादूगर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन एक तकनीकी खराबी उसमें भी आ जाती है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, कि उसको ये नहीं पता होता है कि उसको करना क्या है या कैसे करना है, क्योंकि वो तो कभी स्कूल गया नहीं था, उसको थोड़ी पता रहता है कि कौन सा विषय है, कैसे काम करना है, क्या करना है। तो उसको क्या है, हमेशा एक मदद की जरूरत रहती है। help me he would say, और वो क्या कहता रहता है, मदद मदद मदद, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक उसकी किसी भी तरीके से मदद कर देता है। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, कि वो क्या है, चिल्लाता है, अरे ये शब्द क्या है, मुझे इसका मतलब नहीं पता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। तो वो उसकी उसको मदद के लिए बुलाता है, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे क्या दो, डिक्शनरी दे दो, शब्दकोश दे दो, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, इस वर्ड का मीनिंग पता कर सकूं। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर। तो वो क्या कहता है, नो व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा क्या है, लुक अप द वर्ड, शब्द की तरफ देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर, और उन दोनों शब्दों को क्या करो, तोड़ के और जोड़ने की कोशिश करो, पुकारो, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये शब्द क्या है, तुम आसानी से किसी भी शब्द को समझ जाओगे। तो इस तरीके से वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और वो जो जादूगर रहता है, एल्फ रहता है, वो जिन जो रहता है, वो जिन उसका होमवर्क करता रहता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग कल आगे का स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोगों को मीनिंग याद करना है।